सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोरा। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने ब्लड फिजियोलॉजी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना होता है ब्लड ग्रुपिंग। और काफी बार तुमने ना एक कंसेप्ट बहुत सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं कि यार मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, या फिर मेरे भाई का ब्लड ग्रुप जो है अपना बी पॉजिटिव है। तुमने टर्म सुना होगा, तो मैं आज इसके पीछे की तुम्हें साइंस बताऊंगा कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप क्या होता है और किस तरीके से आपको ना प्रैक्टिकल में, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में आता है। तो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में आपको किस तरीके से लगाना है, क्या आपसे प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लो कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ गया आपको किस तरीके से लिख के आना है, मैं वो भी बताऊंगा। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो सारे नोट मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मिल जाएंगे, लिंक नीचे है, आप जाके इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हो, उसमें और भी अपडेट आती रहती है। चलिए अब अपन आते हैं ब्लड ग्रुपिंग पे। अब आपने ना काफी बार सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ये होता कैसे है वो बताता हूं। अब मेनली क्या होता है ना, अपने बॉडी के अंदर रहती है आरबीसी, आपको पता है आरबीसी क्या होती है, जिनके अंदर अपना होता है हीमोग्लोबिन और इन्हीं के कारण अपना लाल कलर का खून होता है। आरबीसी अपनी ऑक्सीजन कैरी करती है, सारी चीज आपको पता है। अब इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर ना इस तरीके से कुछ एंटीजन लगे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, अपनी बॉडी में बहुत सारे एंटीजन होते हैं आरबीसी के ऊपर, लेकिन मेनली अपन पढ़ेंगे अब अपना ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। तो मेनली अपने आरबीसी में दो तरीके का एंटीजन होते हैं, एक मान लो गोल गोल सा एंटीजन है उसको बोलेंगे एंटीजन ए, और एक मान लो जब खोखे सा एंटीजन बना रहा हूं समझने के लिए उसको बोलेंगे एंटीजन बी। तो जिन सारे लोगों में इस तरीके से ए एंटीजन लगा रहता है उन लोगों का अपन बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। मतलब कि ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, जिन लोगों का भी ए ब्लड ग्रुप है उन लोगों के आरबीसी के सरफेस पे इस तरीके से ए एंटीजन लगा रहता है, और बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, उन लोगों की आरबीसी पे इस तरीके से बी एंटीजन रहता है। अगर मान लो सर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों लगा है तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे अपन बोलते हैं ए बी। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप है ए बी। मान लो अगर एक भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना ही बी है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। अरे सर ओ क्यों बोला, देखो क्या होता है ना, ये सारी चीजें ना यूरोप के लोगों ने डिफाइन करी थी, तो यूरोप वगैरह में क्या होता है ना, जो जीरो रहता है ना उसको ओ बोलते थे, तो यहां पर जीरो एंटीजन है इसलिए इसको अपन बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो आपको समझ में आ गया, हाँ सर हमें आप समझ में आ गया ब्लड ग्रुप ए बी सी क्या होते हैं, बस एंटीजन जो होता है उसके प्रकार से बोला जाता है ब्लड ग्रुप। एंटीजन कहां पे, आरबीसी के ऊपर। फिर आपने एक और चीज सुनी होगी, काफी बच्चे बोलते हैं ना कि मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है या मेरा ब्लड ग्रुप तो ए नेगेटिव है। अब ये ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या होता है, अब क्या रहता है ना, जिस तरीके से आपके बॉडी में ए एंटीजन है बी एंटीजन है, एक और एंटीजन होता है उसे अपन बोलते हैं आर एच एंटीजन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर एच एंटीजन, तो क्या होता है ना, बंदर होता है, अपन बोलते हैं रीसस मंकी। इस रीसस मंकी में सबसे पहले एंटीजन डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको बोलते हैं आरएच एंटीजन। अब क्या होता है ना, जिन बच्चों में भी जिन लोगों में भी ये आरएच एंटीजन होता है उसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव। जिन लोगों में भी आरएच एंटीजन होगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव, जिनमें नहीं होगा उसे अपन बोलेंगे नेगेटिव। इज दैट क्लियर। तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होगा, जैसे कि अपना सर्किट है, अब सर्किट क्या है, सर्किट का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। मान लो अभी नॉर्मली मानने की बात चल रही है, इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, मेरा है बी पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव का मतलब समझ गए कि इनके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और साथ में आरएच एंटीजन भी है, इनका है ए पॉजिटिव। अगर आरएच एंटीजन नहीं होता तो होता ए नेगेटिव। अब क्या होगा, सर्किट जो है बहुत ज्यादा अपना यही मारा तोड़ा ताड़ी चकारी गुंडागर्दी का काम करते हैं, लेके आऊंगा भाई खून, अरे नहीं अभी नहीं चाहिए, ये सारे काम करते हैं। और उसके कारण क्या होता है, इनको ब्लड बहुत ही कॉन्स्टेंटली चढ़ता रहता है। क्यों, अगर यहाँ पे कट लग गया खून निकलेगा तो इनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपने काफी बार ये सुना होगा, ब्लड चढ़ाने से पहले अपन करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। मतलब ब्लड ग्रुपिंग मतलब अगर इनका खून ए है ए पॉजिटिव तो इनको ए पॉजिटिव वाला ही खून दे सकता है, मेरा अगर मान लो बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव कभी भी भैया को खून नहीं दे पाऊंगा, सॉरी भैया मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों, अब ऐसा क्यों होता है, अब अपन वो समझते हैं कि ए वाला बी को क्यों नहीं दे सकता, बी वाला ए को क्यों नहीं दे सकता। अब तुम इसके पीछे का ज्ञान समझो, देखो अब इसके पीछे का ज्ञान क्या है। अब मान लो जो भगवान ने अपन को इतना बेहतरीन तरीके से बनाया है, भगवान की देन और दया भी है, तुम समझो बात अभी है। अगर मान लो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, मतलब उसकी आरबीसी पे क्या है, उसकी आरबीसी पे अपना लगा है ए एंटीजन। अब क्योंकि इसकी आरबीसी पे ए एंटीजन लगा है, अब एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन का मतलब होता है जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। अभी भी एंटीजन है तो एंटीबॉडी तो होगी, तो यही तो कला है अपने भगवान ने इस तरीके से बनाया। अगर मान लो अपनी बॉडी में ए एंटीजन है आरबीसी पे,
तो अपने ब्लड सीरम में, जो पूरा ब्लड रहता है उसमें सीरम में क्या होगा, एंटीबॉडी होगी, लेकिन वो कौन सी एंटीबॉडी होगी, वो एंटी बी एंटीबॉडी होगी, मतलब अपोजिट रहता है। अगर आपके आरबीसी पे ए एंटीजन है तो आपके ब्लड सीरम में अपना बी बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी रहती है, अपोजिट रहती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा अपोजिट क्यों होती है, अगर मान लो अपने ब्लड में ए एंटीबॉडी ही होती, ए फिर ए एंटीबॉडी क्या करती, एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ रिएक्शन करती, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का उन बोलते हैं एग्लूटिनेशन। और जब भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, वो चीज टूट जाती है, तो जितना खून है वो सारा टूट जाता है। तो जेनेटिकली लेवल पे क्या होता है, अगर आपकी आरबीसी पे ए एंटीजन है तो क्या होगा, जो अपना जीन रहता है ना, जो कि अपना एंटीबॉडी ए बनाने वाला होता है, वो सारे जीन सप्रेस कर देती है बॉडी, ताकि अपन ए एंटीबॉडी ना बनाए। तो फिर कौन सी एंटीबॉडी बनती है, फिर अपनी बनती है बी एंटीबॉडी। इसलिए अगर जिसका भी खून ए पॉजिटिव है, मतलब आरबीसी में ए एंटीजन है, उसके बॉडी में अपोजिट एंटीबॉडी रहती है, एंटी बी उसमें रहता है। इज दैट क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया, या आपको समझ में आ गया? अगर मान लो क्या हुआ, अब जैसे कि भैया को फिर से बुलाना चाहूंगा मैंने सर्किट को, अब ये सर्किट है, अब इसमें क्या है, इसमें अपना आरबीसी पे ए एंटीजन है, तो इनके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी हुई, इनके ब्लड सीरम में एंटी बी एंटीबॉडी होती है, मतलब एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी होती है। और मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, मेरा ब्लड ग्रुप है भैया ब्लड ग्रुप बी। अगर और मेरे बी, अब ब्लड ग्रुप बी का मतलब क्या है, मेरे आरबीसी पे बी एंटीजन है, अब मेरे आरबीसी में बी एंटीजन, अगर मैंने गलती से भी इनको खून दे दिया तो पता है क्या होगा, क्योंकि मेरे ब्लड में बी एंटीजन है और भैया के खून में बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी बी है, तो अगर मैंने गलती से भी इनको खून दे दिया, जैसे ही मेरा खून इनके बॉडी में जाएगा, इनकी जो बी के लिए जो एंटीबॉडी जो थी वो इस तरीके से एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, जितना भी मेरा खून मैंने इनको दिया वो बी पॉजिटिव था, तो जो एंटीबॉडी बी है वो इस तरीके से एग्लूटिनेशन कर लेंगी और सारा खून तोड़ देंगी और अपना सारा हीमोलिसिस हो जाएगा। और क्या होता ना, इसको अपन बोलते हैं मिसमैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, मतलब कि आपने इस तरीके से मैच नहीं करा, ब्लड ग्रुप दे दिया, और इसके कारण क्या होगा, अगर सामने वाले के अंदर अगर सीवियर हीमोलिसिस हो गया तो सामने वाला मर भी सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अपन मैच करके ब्लड ग्रुप देते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया किस तरीके से ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, वो भी मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़े आराम से। तो एओबी ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ एओबी ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो हम कैसे पता लगाते हैं एओबी ब्लड ग्रुप है बंदे का, जब अपन एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाते हैं तब उनको पता चलता है ब्लड ग्रुप ए है कि बी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके अलावा जिस साइंटिस्ट ने एओबी ब्लड ग्रुप दिया था ना, उसका नाम था अपना लैंडस्टीनर, और इसी साइंटिस्ट ने फाइंड करा था कि आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन होता है कुछ लोगों पे बी एंटीजन होता है। इसके हिसाब से उसने चार ग्रुप बनाए, जिन लोगों पे भी ए एंटीजन है उसको दे दिया ग्रुप ए, जिसमें बी है बी, जिसमें दोनों है उसमें ए बी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी सरफेस उसको दे दिया ग्रुप ओ। फिर जो है ना, जो मैंने आपको इतनी प्यार मोहब्बत से एक्सप्लेन करा था ना कि जिसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है, मान लो मेरी आरबीसी अगर ए एंटीजन है, तो जो ए एंटीजन जो होता है ना, एंटीजन को अपन बोलते हैं ए ग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी को जो है वो अपन बोलते हैं ए ग्लूटिनिन। तो यहाँ पे जो लॉ जो मैंने आपको बोला था ना, वो लिखा है कि अगर मेरे में बी एंटीजन है मेरी आरबीसी में, मतलब मेरे में क्या है बी ए ग्लूटिनोजन है, तो मेरे में सेम एंटीबॉडी नहीं होगी, बी के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी। यहां पर लिखा है इफ अ पर्टिकुलर ए ग्लूटिनोजन, मतलब एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी करस्पॉन्डिंग ए ग्लूटिन, मतलब कि एंटीबॉडी मस्ट बी एबसेंट इन द सीरम, मतलब उसके प्रति एंटीबॉडी नहीं होगी। तो किसके प्रति एंटीबॉडी होगी, अपोजिट के लिए एंटीबॉडी होगी। तो पूरा फ्लो चार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देगा। मान लो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा, उसमें अपना ए एंटीजन होगा आरबीसी की सर्फेस पे, बी वाले पे बी एंटीजन होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा, उसके अंदर ए बी एंटीजन होता है। और मान लो ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो कौन सा एंटीजन होगा, उसमें ओ मतलब जीरो, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मतलब मेरे में ए एंटीजन है, तो मेरे ब्लड के सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी, मेरे में होगी एंटी बी एंटीबॉडी, अपोजिट रहता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे में कौन सी एंटीबॉडी होगी, मेरे में ए एंटीबॉडी होगी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर मेरे में दोनों एंटीजन है ए बी है और बी भी है, तो मेरे ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी होगी,
मेरे ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, मतलब जिसका भी ब्लड ग्रुप ए भी रहता है ना उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती उसके ब्लड सीरम में। दिस इज वाई, इसी कारण से जो अपने जितने भी ए बी ब्लड ग्रुप वाले रहते हैं ना उनको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, वो किसी से भी खून रिसीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें देखो एंटीबॉडी तो है नहीं। अगर मान लो ए बी ब्लड ग्रुप है किसी का, अगर वो ए वाले से ब्लड ले ले तो क्या होगा? ए वाले से ब्लड वो ले सकता है ना, क्योंकि इसमें तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसका ब्लड टूटेगा ही नहीं। वो बी से भी ले सकता है, अब क्योंकि एंटीबॉडी तो है नहीं। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, किस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो। जो ब्लड ग्रुप ए है ये दे दिया अपन ने, और ये ब्लड ग्रुप बी है वो अपन ने ए बी वाले को दे दिया। अब ए बी वाले में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ए टूटेगा नहीं और ब्लड ग्रुप बी टूटेगा नहीं, समझ रहे हो आप? वही अगर अपन इसकी बात करें, अब क्या रहता है ना ब्लड ग्रुप बी को तुम एक बार और समझ लो। अब ब्लड ग्रुप बी में क्या है, ब्लड सीरम में एंटीबॉडी है किसके लिए, ए के लिए, और अपना एंटीजन है बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा ना। अगर मैंने इसमें ए का ब्लड दे दिया तो क्या होगा, अब ए के ब्लड में क्या है, ए एंटीजन है, और यहां पे ब्लड ग्रुप बी में ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी थी, एंटी ए था, तो ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे और जितना भी खून मैंने दिया है वो सारा टूट जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा और कंडीशन और बेकार हो जाएगी। तो दिस इज व्हाई जो अपना ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, वो सबसे खून ले सकते हैं क्योंकि उनमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। बट वही चीज यार ओ वालों में अपोजिट हो जाती है, ओ वालों में क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है, इस कारण से क्या होता है ना उनके ब्लड में दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, एंटीजन ए के लिए भी एंटीबॉडी होती है और एंटीजन बी के लिए भी इनमें एंटीबॉडी होती है। तो इसी के कारण जो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं ना उनको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी खून दे सकते हैं, मतलब क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजन नहीं है ना। अगर मान लो कोई ब्लड ग्रुप ओ है वो ओ वाला ए को भी दे सकता है, क्यों? अगर मान लो मैंने इनको खून दे दिया, ये मैंने ए वाले को ब्लड ग्रुप ओ दे दिया, तो कुछ भी नहीं होगा। भले ही ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी है बी के लिए, तो बी के लिए एंटीबॉडी होने से कुछ उसका फायदा है क्या? ओ वाला टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि उसमें एंटीजन ही नहीं है ना, तो एंटीबॉडी तो तब काम करेगी ना जब एंटीजन होगा। अब क्योंकि आप एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी काम ही नहीं करेंगी, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप सबको अपना इस तरीके से ब्लड दे सकता है बट किसी से भी ब्लड ले नहीं सकता, वो सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके अंदर जो ना दोनों एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी। तो वो ओ वाला बहुत ही दीन दयालु इंसान है, ओ वाले लोग जो है ना बहुत दयालु होते हैं, वो सब लोगों को खून दे सकते हैं बट किसी से भी खून ले नहीं सकते, बहुत दयालु लोग। जैसे कि अपना सर्किट, सर्किट भी अपना ना बहुत ज्यादा दयालु होता है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी बोलूंगा ना सर्किट से कि यार भैया मुझे आपको खून चाहिए तो तुरंत मान जाएंगे कि हाँ यार भैया आप खून ले लो। हाँ भाई लाया ना खून, अब भी हड़के ला, मैं अपना खून लेके आऊंगा भाई, रुको जरा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको ना इसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करता हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ ए ओ बी ब्लड ग्रुपिंग। अब किस तरीके से अपन ब्लड ग्रुपिंग करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अब क्या रहता है ना ए ओ बी ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ए ओ बी ग्रुपिंग इज कॉल्ड ब्लड ग्रुपिंग, मतलब किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका बी है, किसका ओ है, उस सारे को बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टाइपिंग या ब्लड मैचिंग। ये कैसे होता है, इसका प्रिंसिपल अपना होता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब जब एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करती है ना उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। अब इसको मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहां पर कुछ स्लाइड बनाता हूँ, ये ऐसी स्लाइड मैंने बनाई, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या करा, अपने सर्किट का खून डाल दिया। अब सर्किट का खून अपन को तो पता ही है वो ए पॉजिटिव है, तो इस तरीके से मैंने स्लाइड में चार बार खून डाल दिया। अब क्या रहता है ना अपने पास ये सारे खून के अंदर क्या है, खून के अंदर अपना प्रेजेंट होता है एंटीजन, और अपने पास क्या अपनी एंटीबॉडी पहले से ही होती है, एंटीबॉडी का सीरम आता है वो प्रेजेंट होता है। तो मैं सबसे पहली स्लाइड में क्या डालूंगा, अपना डाल दूंगा एंटीबॉडी का सीरम, मतलब एंटीबॉडी का सोल्यूशन डाल दूंगा। कौन सी एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी। तो यहां पर मैंने ए एंटीबॉडी की दो ड्रॉप डाल दी, यहां पे मैंने एंटीबी डाल दी, एंटीबी मतलब इसके अंदर एंटीबॉडी भी है, यहां पे मैंने एंटी डी डाला। अब डी में बताऊंगा और लास्ट वाला अपना टेस्ट होता है उसमें कुछ भी नहीं डालते। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटी डी, मैंने आपको एक और एंटीजन पढ़ा था याद है, आरएच एंटीजन। तो आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती है ना उसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडी डी। सर आरएच के अगेंस्ट में डी क्यों, भाई नाम है, अब याद कर लो एंटीबॉडी डी डालते हैं बस अपन, ठीक है। तो चलो अब पूरा अपन खेल समझते हैं यहां पे। अब देखो इसमें क्या होता है, तुम ये समझो, अब पहली वाली स्लाइड में अपन ने क्या डाला, एंटीबॉडी ए डाला था,
अब क्योंकि अपन को ऑलरेडी पता है भैया का खून जो है ना ए पॉजिटिव है, मतलब कि इनके आरबीसी सरफेस पे ए एंटीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, क्योंकि अपन ने ए एंटीजन तो था ही और ए एंटीबॉडी डाली, तो यहाँ पे इस तरीके से ना खून के अंदर ऐसा क्लंपिंग देखने को मिलेगा। मतलब एंटीजन जब एंटीबॉडी के साथ जुड़ती है ना तो इस तरीके से क्लंपिंग देखने को मिलती है। वही अपन ने जिसके अंदर एंटीबॉडी बी डाली थी ना, तो उस स्लाइड में कुछ भी नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको, क्योंकि आपके आरबीसी पे क्या है, आपके आरबीसी पे ए एंटीजन है, तो जो एंटीबॉडी बी है वो तो काम करेगी नहीं, तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होगा। यहाँ का एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भैया का क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब भैया के आरबीसी पे आरएच एंटीजन है, क्योंकि आरएच एंटीजन था, तो जब अपन ने आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डाली तो वहां पे फिर से इस तरीके से एग्लूटिनेशन हो जाएगा। और टेस्ट में तो कुछ होता ही नहीं, टेस्ट तो नॉर्मल है। तो अगर आप नॉर्मल स्लाइड देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए एंटीबॉडी के कारण यहाँ पे क्लंपिंग आई है, इसका मतलब ए पॉजिटिव है। और जिसमें अपन ने डी एंटीजन डाला उसके लिए भी क्लंपिंग आई है, मतलब ये ए पॉजिटिव है। इस तरीके से अपन करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। इसको मैं ना रियल में और दिखा देता हूं तो तुम्हें और अच्छे से चीजें एक्सप्लेन होगी। तुम ये देखो, ये दिखा, तो यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर से जो जो रहता है ना वो रहता है एंटीबॉडी ए का सीना, येलो से रहता है एंटीबॉडी डी, व्हाइट से रहता है अपना डी एंटीजन का एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी के सीरम है, ये ए का, ये बी का, ये डी का। तो अपन ने इस तरीके से स्लाइड बना ली, ठीक है, ये सारी अपन ने क्या करी, स्लाइड बना ली। तो जैसे ही अपन ने ये टेस्ट है पहला वाला, तो जैसे ही अपन ने पहले वाले में अपन ने खून में ये वाले खून में दो ड्रॉप अगर अपन ने डाली एंटीजन ए की, तो यहाँ पे देखो आपको क्लंपिंग देखने को मिली। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये ए पॉजिटिव है, इसके अंदर ए एंटीजन था, तो ए एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया, क्लंपिंग देखने को मिली। बी वाले में कुछ नहीं हुआ क्योंकि बी एंटीजन ही नहीं था। आपकी आरबीसी में बी एंटीजन होता तो उसके प्रति एंटीबॉडी रिएक्ट करती और क्लंपिंग दिखा देती। अब ये आरएच पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे इसके लिए भी क्लंपिंग हो गई। वही ब्लड ग्रुप बी के अंदर क्या होगा, जब अपन ए एंटीबॉडी डालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो एंटीबॉडी बी है ना, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन ए उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट क्योंकि ब्लड ग्रुप बी में क्या रहता है, कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी है, और उसके अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी डाल देंगे तो उसकी क्लंपिंग हो जाएगी। और ये आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब आरएच एंटीजन है, तो जब अपन इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डालेंगे तो उसकी क्लंपिंग देखने को मिलेगी। अब तुम्हें समझो ए बी वाला, अब ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब इसके अंदर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो जब अपन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी डालेंगे तो क्लंपिंग देखने को मिलेगी क्योंकि ए एंटीजन था। बी एंटीबॉडी डालेंगे तो भी यहाँ पे क्लंपिंग देखने को मिलेगी आरबीसी में, क्योंकि यहाँ पे बी एंटीजन भी था और ये आरएच पॉजिटिव भी है। वही अगर अपन ओ ब्लड ग्रुप लें तो ओ ब्लड ग्रुप बहुत ही बेकार है, और ये पता कौन सा ओ है, ये ओ नेगेटिव है। अब मैंने कैसे बोला वो बताता हूँ, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो जब अपन एंटीबॉडी ए डालते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि है नहीं ना एंटीजन, तो एंटीबॉडी क्या करेगा, किसके साथ जुड़ेगा, जुड़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। भाई अगर बी है, बी जब मैं डालता हूं तो कुछ होगा क्या, तो कोई क्लंपिंग देखने को मिलेगी क्या? नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बी भी नहीं है। और वही अगर अपन जब एंटी सीरम डी डालेंगे तो यहाँ पे क्योंकि आर एच एंटीजन भी नहीं है इसलिए यहाँ पे क्लंपिंग देखने को मिलेगा। ये होता है ओ नेगेटिव, और ओ नेगेटिव ही रियल मायने में यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। अगर ये ओ पॉजिटिव होता तो क्या होता, यहाँ पे एंटी जब एंटीजन डी डालते तो यहाँ पे ऐसे क्लंपिंग देखने को मिल जाती, उसको अपन बोलते हैं ओ पॉजिटिव। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग अपन करते हैं। तो ये पूरा मैंने जो है ना आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से लिख के आना। भाई 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 खून लाया भाई, भाई खून लाया आपके लिए, अपना खून लाया भाई, भाई खून। अरे भैया इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे यार ये ओवर रेटिंग है, 50 रुपए काटो जल्दी से। अब भाई इसका क्या करूं, अब भाई मैं क्या करूं, मैंने तुमने खून मांगा था, मैं तो मजाक कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी में आपको लिखने के लिए मेनली मैं आपको बताया हेडिंग में लिखना पड़ेगा, पहले ब्लड ग्रुप की हेडिंग डालना, फिर जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे ना वो सारे पॉइंट लिख देना कि ए ओ बी ब्लड ग्रुपिंग अम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन से करते हैं, दो एंटीजन होते हैं, फिर उसके बाद चार अपन ने ग्रुप बनाए, इस तरीके से डायग्राम बना देना, फिर ये लैंड स्टैंडर्ड का लॉ लिखना बहुत जरूरी है, ये डायरेक्ट आपसे पूछते भी है वाइवा में, और ये सारा ऐसा टेबल बना देना। फिर डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, प्रिंसिपल क्या स्टेप होती है, ये देखो एक एक स्टेप ना मैंने तुम्हारे लिए लिखी है, मतलब ये जो रिजल्ट्स है ना ये यही रिजल्ट्स हैं कि जब ए एंटीजन डालेंगे तो क्या होगा, बी डालेंगे क्या होगा, डी डालेंगे तो क्या होगा। तो ये सारे आपको रिजल्ट्स लिखने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट भी लिखनी पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अपन को,
तीन एंटी सीरम चाहिए रहते हैं, ए बी एंटी, और एक टेस्ट होता है ना। तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है। मैंने सारी हेडिंग्स आपको बता दी, हेडिंग्स के बाद पॉइंट बना के लिखो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। वीडियो से हेल्प हुई, वीडियो को लाइक करना, और भैया अगर एक्टिंग पसंद आई हो तो उसके लिए लाइक कमेंट करना तो बनता ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।